अब मैं आपको हेजल ग्रीन चॉकलेट सिखा देती हूँ। दोस्तों ये बहुत ही टेम्पटिंग और डिलीशियस चॉकलेट है। मैंने यहाँ पे जो गोल्डन कलर हमने तैयार किया था वो मैंने एक बोल में ले लिया है। इसके अंदर मैं व्हाइट कलर डाल देती हूँ क्योंकि हमें थोड़ा डिफरेंट कलर बनाना है, इसके लिए हम ये कलर तैयार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये कलर इस प्रकार से तैयार हुआ है। हमने जो गोल्डन कलर लिया था और ये कलर में देखिए दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। और थोड़ा लाइट कलर चाहिए, इसके लिए मैं इसके अंदर एक चुटकी और व्हाइट पाउडर ऐड कर देती हूँ। हमारा बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर तैयार हो चुका है। इसे मैं मोल्ड के अंदर लगा देती हूँ। सारे मोल्ड के अंदर कलर लगा दिया है। अब मैं इसे फ्रीजर में आधा मिनट के लिए रख देती हूँ। आधा मिनट हो चुका है और मैंने मोल्ड को बाहर निकाल लिया है। ये देखे दोस्तों कोको बटर बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था और मैंने इसे ठंडा कर लिया है। हम गरम गरम चॉकलेट को कोको बटर के ऊपर नहीं लगाएंगे, नहीं तो कोको बटर पिघल जाएगा। हमेशा चॉकलेट को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही कोको बटर के ऊपर लगाइएगा। मैंने सारे मोल्ड के ऊपर डार्क चॉकलेट लगा दी है। अब मैं इसे फ्रीजर में आधा मिनट के लिए रख रही हूँ। आधा मिनट हो चुका था और मैंने मोल्ड को बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट का दूसरा कोटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों मोल्ड ठंडा होने की वजह से चॉकलेट बाहर ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये जो नटेला आता है उसका फिलिंग डाल देती हूँ। अच्छी क्वांटिटी में फिलिंग को डालूंगी जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैंने सारे मोल्ड के अंदर नटेला को भर दिया है। अब मैं इसके ऊपर मेल्टेड डार्क चॉकलेट लगा देती हूँ और चॉकलेट को रेडी कर लेंगे। मैं इसे फ्रीजर में एक मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया हमारी चॉकलेट सेट हो चुकी है। अब मैं इसे अनमोल्ड कर देती हूँ। बहुत ही आसानी से हमारी चॉकलेट अनमोल्ड हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया हमारी चॉकलेट रेडी हुई है और ये बहुत ही बढ़िया शेडिंग में मार्बल इफेक्ट में तैयार हुई है। जैसे मैंने आपको सिखाया बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसे तैयार कीजिएगा, आपकी चॉकलेट भी बहुत ही बढ़िया तैयार होगी। हमारी हेजल ग्रीन चॉकलेट बनके तैयार है।